तनु अंकित अलिशा गीता गौतम सौरभ सोनू अमित प्रिया वीर आजाद आरव लवली अंशिका चेतन रवि वाइट गेम्स किरण भूपेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग सो आगाज करते हैं फिर आज के दिन का ठीक है उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और ये हफ्ता शांति पूर्वक निकल रहा होगा सभी लोगों का है ना आधे लोग मेरे जैसे लोग तो परेशान ही होंगे इस हफ्ते से तो शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन लेकिन देखते हैं पहले आज का मोटिवेशन क्या कहता है आज का मोटिवेशन कहता है जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है आपका दिल आपसे हमेशा सच बोलता है कि वो क्या चाहता है और आपको हमेशा अच्छी मोटिवेशन भी देता है इसीलिए कभी भी बाहर की मत सुनो कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या चाहते हैं क्योंकि आपको वही बनना है जो आप चाहते हो किसी और के हिसाब से आपको कुछ नहीं बनना है है ना ये चीजें सभी के ऊपर अप्लाई होती है ये आपकी कामयाबी के लिए भी अप्लाई होती है और आपके रिलेशन के लिए भी अप्लाई होती है कि दिल दिल की सुनो जो कहता है वही करो और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को खुश रखना और उसके लिए आपका दिल जो कहता है बस वो करो बिंदास लेकिन वो रास्ता सही होना चाहिए किसी और को हर्ट ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए बस ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं गुड तो okay, so जो आप देख रहे हैं ये नंबर है अगर आपको कोई भी परेशानी होती है जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो बैच लेना चाहते हैं ठीक है एप्लीकेशन पे सिलेबस करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या फिर स्पेशल ऑफर्स के बारे में जानना है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ठीक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है एप्लीकेशन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेजेस पावर कैप्सूल्स नोट्स आर्टिकल्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब न्यूज की तरफ चलते हैं सीधा हां जी पहली न्यूज आपके सामने आ चुकी है भाई देखो क्या है बेंगलुरु मेट्रोज फर्स्ट ड्राइवर ट्रेन बेंगलुरु के अंदर पहली बार एक ऐसी ट्रेन आई है जो कि ड्राइवर लेस ट्रेन है यानी कि इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा ठीक है तो ड्राइवर लेस ट्रेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में अभी लागू कर दिया गया है लेकिन ये हमारे देश में नहीं बनी है इसे बाहर से मंगवाया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है किस देश में बनी ये बेंगलुरु मेट्रो की पहली ड्राइवर लेस ट्रेन जिसे कि फ़रवरी 2024 में चेन्नई पोर्ट पर ये पहुंची है कहां से आई है कहाँ को जाएगी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको कहां से आई है चलिए देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है पहले सब लोगों का जान ले उसके बाद हम चलते हैं आंसर पे प्यारी रही है ये क्लास में प्यारी प्यारी है वो आराम से आती है लेट आएंगी ओके okay, निशु ठीक है और जापान नहीं होगा इसका आंसर नो 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 शांतनु करेक्ट चेंग चेंग चू से आई है ये ट्रेन कहाँ से आई है ये ट्रेन आई है चेंग चेंग चू से इसने दिए इंडिया को ठीक है अच्छा देखिए <coughs> सबसे पहले तो बात करते हैं इस कांसेप्ट के बारे में कौन सा कांसेप्ट ड्राइवरलेस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कहाँ पे आता है तो ये पूरे वर्ल्ड में आया था सबसे पहले जर्मनी के अंदर ठीक है कहा जर्मनी के अंदर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 2022 के अंदर इसको ट्राई किया गया था दिल्ली मेट्रो पे। दिल्ली मेट्रो पे पहली बार इसको ट्राई किया गया था लेकिन हमने उसको लागू नहीं किया था ठीक है अभी क्या है 2024 आ चुका है और अब हमने इसको मंगवाया है. कहां से? चाइना से मंगवाया है चाइना में भी कोई जहां से ट्रेन आई है शंघाई से कहा से आई ये ट्रेन शंघाई से आई है कौन से जगह पे आई है चेन्नई पोर्ट पर आई है कहां पर इसको चलाया जाएगा तो ये चलेगी बेंगलुरु के अंदर ठीक है कहाँ चलेगी बेंगलुरु के अंदर चलेगी ये ट्रेन जब हम चिंग चैंग की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी के पास आपको मिलती है सबसे स्पीडेस्ट ट्रेन जो सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है जो कि कौन सी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है मैगलेव बेस्ड ट्रेन है उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो छह किलोमीटर पर आर की स्पीड हो जाएगी ठीक है हाँ भाई कैसी लगी न्यूज क्या मैडम पहली न्यूज चाइना से शुरू कर देते हो क्या करे चाइना ही आया पहली न्यूज में चले खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है तो पहली बार ये जो ट्रेन चलेगी ये कितने किलोमीटर चलेगी 19. पॉइंट समथिंग किलोमीटर ये ट्रेन चलेगी पहली बार में ठीक है डील कब साइन होती है 2019 में जिसके तहत 216 मेट्रो कोच बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिए जाएंगे इतने दिए जाएंगे भाई ठीक है अच्छा तो इसका कोई नाम भी रखा होगा भारत ने अब ट्रेन मंगाई है तो कोई ना कोई तो नाम भी रखा होगा इसका नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है नमो मेट्रो ही इसका नाम रखा गया है ठीक है नमो येलो लाइन मेट्रो कह सकते हैं आप इसको क्योंकि ये येलो लाइन पे आई है नमो येलो लाइन मेट्रो ठीक है येलो लाइन पर बेंगलुरु के अंदर इस मेट्रो को चलाया जाएगा जो पूरे तरीके से क्या है ड्राइवरलेस है ठीक है हां शिव जी कह रहे हैं कि मैडम यकीन नहीं हो रहा है अरे ट्रेन ही तो आई है भैया यकीन का ही नहीं हो रहा सैटेलाइट थोड़ी ना भेजा है उन्होंने कमाल करते हो इस समय इतना वाव वाली कौन सी बात हो गई ट्रेन आई है ठीक है चलो आगे चले ये बताओ बुलेट ट्रेन ही बुलेट ट्रेन जो हमारे देश में आएगी ठीक है किसकी सहायता से इसको बनाया जा रहा है ये बताइए किसकी हेल्प से इसको बनाया जा रहा है और जो पहली ट्रेन चलेगी वो कहां से लेकर कहां तक चलेगी तो आप सभी जानते हैं जापान की हेल्प से ठीक है और पहली ट्रेन चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद मुंबई टू अहमदाबाद ये चलेगी ठीक है नमो भारत ये कहां पर आई थी नमो भारत ट्रेन जो है ये कहां पर आई थी तो ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं है ना अयोध्या के अंदर नमो भारत चलाई कितनी चलाई गई दो एक तो आई है अयोध्या टू बिहार और दूसरी अयोध्या टू मालदा यानी वेस्ट बंगाल फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन आती है जर्मनी के अंदर लेकिन अगर हम सिर्फ एशिया की बात करते हैं तो ये चाइना के अंदर आती है और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हरियाणा में सबसे पहली ट्रेन चलाई जाएगी वाटर मेट्रो पर आती है? ये केरला में आई थी तो इतनी चीजें साथ में आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट मुख्यमंत्री वयोश्री योजना अभी क्या है एक योजना जो है वो लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ठीक है योजनाओं वाले सवाल ना ध्यान से सुना करो तुम लोग योजनाओं वाले सवालों को तो नोट भी किया करो क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं फिर देखो पूछा जा रहे किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया गया है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है ये पूछा जा रहा है क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए सेशन को लाइक एंड शेयर किस किस ने नहीं किया है इतने से काम बिना कहीं कर दिया करो गाइस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दिया करो भाई इतना सा काम सुबह सुबह कर देना चाहिए एस्ट्रला अच्छा तुमको सब पता चल गया करेक्ट क्या होगा महाराष्ट्र के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया है यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे एकनाथ शिंदे यहाँ पे सीएम बनकर आए थे ठीक है गवर्नर कौन है यहाँ पर गवर्नर का नाम है रमेश बैस क्या है गवर्नर कौन है रमेश बैस महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी मुंबई ये कौन से आइलैंड्स के ऊपर आपको आपको मिलती मिलती है है तो ये आइलैंड्स के ऊपर ये लोकेटेड है ठीक है अब हुआ क्या है एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना क्या होगा अब इसमें ये सुनिए इस योजना को सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया गया है ठीक है अब सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज कितनी होगी 65 प्लस जिनकी एज होगी उनके लिए इसको लॉन्च किया क्या करेंगे ऐसे सीनियर सिटीजन ऐसे लोग होता है ना बुढ़ापे में बुढ़ापे में या तो ठीक से दिखाई नहीं देता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं चल नहीं पाते हैं है ना तो जो भी ऐसे जो जो ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो मेंटली डिसेबल्ड हो चुके कि दिमाग भी काम नहीं करता है ना बुढ़ापे में होता है तो जो मेंटली क्या हो चुके हैं डिसेबल्ड हो चुके हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं इस तरह की कोई भी परेशानी है जिन सीनियर सिटीजन को उन्हें यहाँ पर सरकार इस योजना के माध्यम से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी क्या करेगी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी यानी कि पैसा दिया जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है क्या दिया जाएगा पैसा दिया जाएगा कितना दिया जाएगा तो ये बोला जा रहा है कि तीन हजार जो हैं वो सीनियर सिटीजन को दिए जा रहे हैं कितने सीनियर सिटीजन्स को दिए जाएंगे पंद्रह लाख जो सीनियर सिटीजन है उन्हें ये पैसा दिया जाएगा ठीक है पंद्रह लाख सीनियर सिटीजन्स को ये पैसा दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में इस योजना को लागू किया गया है ठीक है प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये बताइए कौन से स्टेट के अंदर आती है कहां पर आई थी हरियाणा में ठीक है इसमें क्या था इसमें जो पेड़ पचहत्तर साल से बड़े हो चुके हैं जो पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं जो उनकी देखभाल करेगा उन्हें पेंशन दी जाएगी इसके अंदर स्किल इंडिया मिशन ये कब आता है 2015 के अंदर आता है स्टैंड है 2016 के अंदर आई थी स्टार्टअप्स के लिए ठीक है नेक्स्ट काजिकिस्तान के अंदर नए राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति बनने के बाद इनका फोटो यहाँ पर आप लोगों के सामने ठीक है इनका फोटो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे खुशी नहीं हुई है ज्यादा इनको है ना प्रेसिडेंट बनने की ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही है चलिए खैर हमें क्या हमें तो पढ़ना है कई पेपर में ना पूछ ले काजिकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायाव तो ने किसे ही? नया अच्छा, प्रधान अच्छा प्रधानमंत्री सॉरी 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 प्रधानमंत्री चुना है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है अच्छा प्रधानमंत्री जो है ये इनको अपॉइंट किया गया आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है हाँ जी आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है क्या नाम है इनका ऑल जास बैक्टेनो इनको अपॉइंट किया गया तो सबसे पहले हम काजकिस्तान की ही बात कर लेते हैं ठीक है हाँ? कोई बात नहीं तो सबसे पहले काजिकिस्तान की बात कर लेते हैं काजकिस्तान जो है ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी लोकेशन आपको सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलती है ठीक है काजकिस्तान के अंदर इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी सबसे पहले तो इसकी कैपिटल की बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है कौन बताएगा हम्म इसकी कैपिटल तो तुमको ही बतानी पड़ेगी क्योंकि इसकी नई कैपिटल भी बनी थी और ये न्यूज काफी बार मैं बता चुकी आप लोगों को इसकी नई कैपिटल भी बनी थी फिर बताओ जल्दी से इसकी जो नई कैपिटल और तब तक करेंसी करेंसी क्या हो जाएगी इसकी तेंगे तेंगे जो है ये इसकी क्या है इसकी करेंसी है काजकिस्तान के साथ में हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है काजिंद एक्सरसाइज ये भी यहाँ पर कंडक्ट की जाती है ठीक है अस्थाना करेक्ट क्या हो जाएगी अस्थाना और इसकी जो न्यू कैपिटल बनी थी ये बनी थी नू संतारा लेकिन एक फिर से न्यूज आई थी कि इसको दोबारा से क्या है अस्थाना को ही इसके कैपिटल बनाया जा रहा है आप ये दोनों याद रखेगा ठीक है चलिए <coughs> मलेशिया के अंदर किंग अपॉइंट किए गए थे मलेशिया में क्या है यहां पर किंग का अपॉइंटमेंट किंग यहाँ के जो राजा है वो कौन बने हैं आंसर यहाँ के जो राजा है ये कौन बने हैं क्या है इनका नाम सुल्तान इब्राहिम इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम ये बने हैं मलेशिया के नए राजा न्यूजीलैंड के अंदर क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लूनोर जो है ये क्या है न्यूजीलैंड के अंदर इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स किया गया है और यमन के अंदर भी अभी नए प्रधानमंत्री बने हमने देखा यमन के अंदर कौन बने हैं इनका नाम है अहमद अहमद बिन मुबारक था ना अहमद अवद भी था बीच में ना अहमद अवध बिन मुबारक ये यहाँ पर एज अ पी एम अपॉइंट किए जाते हैं अल सलवाडोर के अंदर भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए इनका नाम क्या है नायब बुकेले इनका नाम है नायब बुकेले ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ठीक है तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं अदर कंट्रीज के अंदर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है एक विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है हां जी तो सिंपल सी बात है एजुकेशन के फील्ड में है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ही इसको लॉन्च किया होगा ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर आप सभी जानते हैं कौन है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने इसको लॉन्च किया अब देखो इसके अंदर है क्या सबसे पहले तो जानेंगे इसमें है क्या ये एक तरह से विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है <coughs> इसमें क्या होगा इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती लेकिन वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं है ना तो उन सभी को यहाँ पर जो है क्या दी जाएगी स्कॉलरशिप किसके लिए दी जाएगी हायर एजुकेशन के लिए इसमें उनको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी किस योजना के अंडर में इसको लॉन्च किया गया तो हमारे यहाँ पे 2022 में एक योजना आती है एक योजना आती है पीएम श्री योजना ठीक है इसके अंदर इसको launch, इसके अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इसमें क्या है इसमें स्कूल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है इस योजना का पर्पस क्या था जितने भी स्कूल हैं उन सभी के अंदर क्या करना इम्प्रूवमेंट करना है तो इसी में क्या है इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है ये याद रखेगा ठीक है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू तो एजुकेशन आज पता नहीं अक्षर इतने बीच बीच में रिमूव हो जा रहे हैं बार बार राइट टू एजुकेशन जो है ये किस में आता है आर्टिकल 21 ए में आता है अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 होगा ठीक है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर राइट टू एजुकेशन इसे फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया था कौन से नंबर की 11th नंबर की ये फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी इसको ऐड किया जाता है ठीक है ये बच्चों के लिए तुम्हारे लिए नहीं है बच्चों के लिए वो भी वो बच्चे जो होशियार होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं बस उनके पास में पैसा नहीं होता रिसोर्सेस नहीं होते लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं उन्हें दी जा रही है स्कॉलरशिप ठीक है उन्हें यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है 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 दिल्ली के अंदर इस इस प्रोग्राम प्रोग्राम को को लॉन्च लॉन्च किया किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी ने ठीक है एंड ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किसने किया यूनि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? कितने स्कॉलरशिप कि दी जा रही है देख रहे हो 5 करोड़ के scholarship दी जा रही है। okay, तो ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है काउंसिल कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी ये केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कहां पर लागू किया गया है उत्तराखंड के अंदर ये पहला स्टेट बना है इससे पहले गोवा के अंदर भी इसको लागू किया लेकिन यहाँ पुर्तगीज ने लागू किया था इंडिपेंडेंस इंडिया का ये पहला स्टेट होगा ठीक है स्कूल चलो अभियान ये कहाँ पे आता है यूपी के अंदर मिशन दक्ष कहाँ पे आया था बिहार के अंदर योग्य श्री योजना कहाँ आती है वेस्ट बंगाल में इसमें क्या था एस सी को स्कॉलरशिप दी जा रही थी ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनाई जा रही है एक टनल बनाई जा रही है देश की ये कैसी पहली टनल होगी हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है आप सुनिएगा ध्यान से इसका क्या करने वाले हैं देखो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल आपसे पूछा जा रहा है इस टनल की लेंथ कितनी है तो सबसे पहले इस टनल के बारे में जानते हैं कि यह है क्या इसको देखो पहले इसकी तस्वीर देखो किसने बनाया है आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया है क्या करेंगे इस टनल का तो ये जो टनल है ये पहली ऐसी टनल होगी हाइपर वेलोसिटी टेस्ट फैसिलिटी के लिए एक और नाम है इस टनल का इस टनल का नाम क्या है एस टू ये भी याद रखिएगा एस टू नाम है इसका ठीक है तो ये क्यों बनाई जा रही है इसमें करेंगे क्या इसमें करेंगे ये कि हमारे पास में जितनी भी क्या है चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई या फिर आने वाले टाइम पर कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल हो गई ठीक है जितनी भी ये मिसाइल्स होती हैं इन सभी को यहां से टेस्ट किया जाएगा टेस्ट किया जाएगा फ्रॉम दिस टनल तो आप कहोगे टनल से ही क्यों टेस्ट किया जाएगा अभी तक जहां से टेस्ट कर रहे थे वहां से क्या दिक्कत हो रही थी से दिक्कत ये हो रही थी कि जो टेस्ट किया जा रहा था जो हमारी मिसाइल्स होती हैं, तो वो अपने टारगेट पर हिट करने की बजाय टारगेट से इधर या उधर हो जा रही थी ठीक है अब क्या होगा अब ये जो है डायरेक्ट सिर्फ टारगेट को हिट करेगी छोड़ा जाएगा और जाके वो डायरेक्ट जो है सिर्फ टारगेट को हिट करेंगे इधर उधर नहीं जाएंगे ये इसका पर्पज है ठीक है हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं और सुपरसोनिक कौन सी होती है सुपरसोनिक सुनो ये तो हमारे पास में है सुपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिनकी स्पीड टू से लेकर के फाइव मैक के बीच में होती है और वन मैक इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ साउंड ठीक है और दूसरी तरफ हाइपरसोनिक की बात करेंगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये वो मिसाइल होती है जिनकी स्पीड पांच मैक या इससे भी ज्यादा की होती है।, तो है, है हमारे पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं है बट सुपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास में ठीक है जैसे कि कौन सी हो जाएगी ब्रह्मोज हो जाएगी वो भी क्या है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ये याद रखेगा अब क्या होगा इन मिसाइल्स को यहां से टेस्ट किया जाएगा यहां से टेस्ट किया जाएगा ठीक है क्लियर है सभी को जैसे कि ब्रह्मोज मिसाइल ये किसके ऊपर काम करती है ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है किसकी हेल्प से हमने इस मिसाइल को बनाया हुआ है तो ये हमने रशिया की हेल्प से बनाया हुआ है ठीक है तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है okay? <coughs> ठीक है अब आईआईटी मद्रास सॉरी आईआईटी कानपुर आया है अच्छा इसकी लेंथ भी पूछी जा रही है आपसे लेंथ कितनी हो जाएगी 24 मीटर इसकी लेंथ है ठीक है आईआईटी कानपुर ने इसको क्या किया है डेवलप किया है जो कि अभी न्यूज में था किस चीज को लेकर न्यूज में था पहली चीज तो दिल्ली के अंदर इसने आर्टिफिशियल रेन करवाने को लेकर यह न्यूज में था ठीक है दूसरी चीज इसने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था दूसरी चीज इसने आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाया था जिस चीज को लेकर आईआईटी कानपुर जो है ये न्यूज में था ठीक है आईआईटी मद्रास भी न्यूज में है बेस्ट आईआईटी आईआईटी मद्रास 2023 में यह सबसे बेस्ट आईआईटी रहा है इसने अपना सेंटर दो देशों में बना लिया है एक तो तंजानिया के जांजीबार में बनाया है दूसरा सेंटर एक और बनाया है श्रीलंका के अंदर इस चीज को लेकर यह न्यूज में था ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं आप नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा हाईएस्ट टनल जो है हमारी सबसे ऊंचाई पर स्थित जो टनल है ये कौन सी और ये कहां पर आपको मिलती है कहां पर मिलेगी लद्दाख के अंदर कौन सा या कौन से पास के ऊपर बनी हुई है शिंकुला, शिंकुला पास पे बनी हुई है ठीक है लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करते हैं तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये कहां पर मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दीफू पास पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आज तो सारे अक्षर बार बार मिट रही है थाल घाट मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर एंड पालघाट घाट कहा मिलेगा केरला के अंदर थाल घाट भोर घाट दोनों महाराष्ट्र में है पालघाट एंड शेनकोटा ये दोनों केरला के अंदर है ये क्या है पासेज है यहाँ पर ठीक है चले नेक्स्ट है ए आई नेशनल सिक्योरिटी बुक है जो कि लॉन्च की गई है तो इस बुक को लॉन्च किए हैं आपसे पूछा जा रहा है किसने लॉन्च किया है और किसने इस बुक को लिखा है एक सेकंड आज क्वेश्चन ही नहीं चेंज किया यहाँ पे वाह गजब ही कर दिया आज तो हमारे कंटेंट मैनेजर आज तो भावना में बहने ही आज तो वो डूब गए हैं पता नहीं बचाया भी कि नहीं किसी ने एआई नेशनल सिक्योरिटी बुक जो है इसको लॉन्च किया गया है तो ये जो बुक आती है इसको सबसे पहले चीज तो इसको लॉन्च किसने किया है इसको अनवील किसने किया है तो लिखिए लॉन्च्ड बाय अनिल चौहान जी जो कि हमारे सेकंड नंबर के क्या है सी डी एस है ठीक है अगर आप से पूछ लिया जाए कि इस बुक को लिखा किसने है अगर पूछ लिया जाए इसको लिखा किसने तो दो लोगों ने लिखा है रिटर्न बाय रिटन बाय विजय खरे विजय खरे एंड अमित सिन्हा इंपॉर्टेंट बुक है इसको याद रखेगा ठीक है ऐसे नहीं कि हवा में बस कर दोगे प्यारी बड़ी जल्दी आ गई हो तुम क्लास में बड़ी जल्दी आ गई क्लास में प्यारी के तो अपने अलग ही अलग ही है जब मन करे क्लास में आओ नहीं मन करे तो मत आओ है ना खैर हमारे काम ऐसा नहीं चलने वाला बाकी लोगों को ऐसी चीजें नहीं सीखनी है किसी से ठीक है चलिए अभी देखो ए के ऊपर बेस्ड कुछ चीजें हैं जैसे कि इंद्रजाल ये पूरी दुनिया का पहला ए बेस्ड एक ड्रोन है जो किस देश ने डेवलप किया था ये आपको बताना है एआई बेस्ड क्या है एक ड्रोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार एक ऐसा ड्रोन डेवलप किया किसी कंट्री ने जो एआई के ऊपर काम करता है किसने डेवलप किया था इसको तो इंडिया ने इसको डेवलप किया था ठीक है ओरोन ये एक ऐसा क्या है एक एयरक्राफ्ट है जो एआई के ऊपर बेस्ड है ये क्या है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो ए के ऊपर काम करता है ये किसने डेवलप किया इसको डेवलप किया इसराइल ने ठीक है अच्छा जस्ट आस्क के नाम से एक ए आई चैटबोर्ट भी डेवलप किया हुआ है ये कहां पर डेवलप होता है इसको एम पी ने डेवलप किया लीसा कहां पर आएगी ओडिशा के अंदर सौंदर्य कहां पर आती है कर्नाटका के अंदर ठीक है प्यारी चर्चा सब जगह और तो पता चल जाएगा। तुम नहीं हो ना अभी तुमको पता नहीं है <coughs> चलिए आगे चलते वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 आ चुका है 2024 के अंदर इस इंडेक्स को जारी किया गया है तो चलिए बात बात करते हैं ये इंडेक्स क्यों आता है किस बेसिस पर आता है और क्या दिया गया है इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट आ चुकी है ठीक है जिसमें 2023 का डाटा है ठीक है इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन अमंग 193 कंट्रीज इंडिया कौन से नंबर पे रहा है इसमें तो इंडिया इस लिस्ट में रहा है नंबर थर्टी पर ओके रिपोर्ट किसने जारी की है वर्ल्ड बैंक ने जारी की है इसे कब बनाया जाता है 1944 में इसको बनाया गया 1945 से इसने काम करना शुरू किया हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये इसकी बहन कौन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है ये भी कब आता है 1945 के अंदर आता है वर्ल्ड बैंक के हेड कौन हो जाएंगे इसके हेड कौन है अजय बांगा जी है अभी डेविड मलपास की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया था तो इतनी चीजें तो आपको वर्ल्ड बैंक से याद करती अच्छा एक और चीज इसको एक और नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक है चलिए अब इंडेक्स आया इसके बारे में बात करते हैं भाई ये जो इंडेक्स है क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है किन चीजों के ऊपर बेस्ड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है तो देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी है मैन्युफैक्चरिंग कितनी है अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा है ना जैसे आप किसी भी चीज को ऑर्डर करते हो ट्रैक करके देखते हो ना आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा वो ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें होना चाहिए शिपिंग वहां का शिपिंग कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है इन चीजों को आधार मानते हुए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कौन इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है ठीक है तो अब इंडिया जो है वो तो थर्टी एट पे है टॉप पे कौन सी कंट्री है सिंगापुर सिंगापुर जो है ये नंबर वन पे आए हैं नंबर टू पे हो जाएगा फिनलैंड नंबर टू पे है फिनलैंड एंड नंबर थ्री पे होगा जर्मनी नंबर थ्री पे क्या होगा जर्मनी होगा ओके okay? तो ये ध्यान रखिएगा चलिए अब कुछ और इंडेक्सेस आई जैसे कि ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2024 जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था ठीक है इसमें कौन सी कंट्री की कंपनी जो है वो नंबर वन पे आई तो चाइना की कंपनी नंबर वन पे आई दूसरे नंबर पे इंडिया की कंपनी थी अंबानी साहब की कौन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ठीक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 93 नंबर पे है टॉप पे है डेनमार्क जहां पे सबसे कम करप्शन होता है लेकिन एक नंबर पे कौन रहा इसमें यानी सबसे ज्यादा करप्शन जो सबसे नीचे है सोमालिया ठीक है हंगर इंडेक्स इसमें इंडिया एक सौ नंबर पे हैप्पीनेस इंडेक्स में वन ट्वेंटी सिक्स नंबर पे इसमें टॉपिक कौन है फिनलैंड ओके नेक्स्ट वाली न्यूज पर चलते हैं देखो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के एक बार फिर से एक आर्टिकल आया है बोला जाए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है तीसरी बार तीसरी बार जो है वो रेपो रेट को सेम बरकरार रखा है आरबीआई ने कितने परसेंट से बरकरार रखा है साढ़े छह परसेंट से रखा है अब ये क्या होता है और क्यों रखा जाता है वो समझना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट देखो होता क्या है कि आरबीआई जो है वो बनाता है मोनिट्री पॉलिसी आरबीआई क्या बनाता है मोनिट्री पॉलिसी बनाता है मौद्रिक नीति बनाता है जिसमें क्या होता है और इसको कब शुरू किया गया पहली बार इसको कब बनाया गया 2016 के अंदर पहली बार एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया था उर्जित पटेल ने ठीक है पहली बार एक कमेटी आती है

इसके अंदर छह मेंबर होते हैं तीन आरबीआई की तरफ से होते हैं और तीन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ठीक है अच्छा इसको हेड कौन करते हैं इस कमेटी को हर बार इसको हेड करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई जो भी गवर्नर होते हैं आरबीआई के जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर कौन है शक्तिकांत दास जी हैं तो वो इसको क्या करते हैं हेड करते हैं अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है मौद्रिक इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को को कंट्रोल करने के लिए। को कंट्रोल करने करने के के लिए लिए ठीक है कि जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही डिमांड होनी चाहिए इस चीज को कंट्रोल किया जाता है ठीक है ओके सो तो फिलहाल रेपो रेट की बात करते हैं 6.5 परसेंट ये रखने का फैसला किया है अब ये तो बात हो गई रेपो रेट की ठीक है अगर बैंक रेट की बात करें जो बैंक रेट है ये कितना हो जाएगा 6.75% हो गया और रेपो रेट तो कितना हो गया 6.5% रेपो रेट वो होता है जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स को उधार देते हैं अब जैसे कि आपको पैसे की जरूरत पड़ती तो आप बैंकों के पास जाते हैं ना कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास भी पैसे की कमी हो जाती है बैंक किसके पास जाएंगे वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो आरबीआई कहता है कि तुमको पैसा तो हम देंगे लेकिन तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें तो बैंक कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है है ना तो आरबीआई जो इंटरेस्ट लेता है बैंकों से उसी को कहते हैं रेपो रेट और दूसरी तरफ होता है बैंक रेट ये भी आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है बैंक रेट होता है इसमें जो है आरबीआई ये शोर्ट टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है सिर्फ थोड़े समय के लिए दिया जाता है कोई सिक्योरिटीज वगैरह भी नहीं रखनी होती बदले में लेकिन इसमें क्या होता है जो रेपो रेट होता है securities है है इसमें सिक्योरिटीज रखनी पड़ती इनको ठीक तो ये डिफरेंस और कुछ नहीं है अच्छा कैश रिजर्व रेशियो ये भी बताया गया है ये आरबीआई ने कितना रखा है 4.5 परसेंट रखा है ये वो मिनिमम अमाउंट होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास में कैश के रूप में रखना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं आरबीआई के बारे में तो हालांकि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन काफी सारे नए स्टूडेंट्स होंगे तो एक बार इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं ठीक है आरबीआई की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है सेंट्रल बैंक है इसको बनाया जाता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 को बनाया गया कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे तो कमेटी आती है यंग हिल्टन कमेटी ठीक है इसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया ये आती है 1934 के अंदर बैंक को नेशनलाइज्ड 1949 में किया गया इसका आपको मुंबई में मिलता है प्रेजेंट टाइम पर ट्वेंटी गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास जिनका नाम है शक्तिकांत दास ठीक है तो इतनी चीजें आरबीआई के बारे में याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन सेलेक्टेड एज वाटर वॉरियर इन वर्ल्ड वाटर वॉरियर्स को दिए गए वाटर वॉरियर्स कौन होते हैं चलिए जानते हैं नोएडा अथॉरिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज वाटर वॉरियर इन वर्ल्ड वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2023 ट्वेंटी इनका आयोजन कहाँ किया गया आपसे पूछा जा रहा है इनका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया जहां पर इनको क्या दिए गए हैं अवार्ड्स दिए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर हां ओसबोर्न स्मिथ हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे और तो फर्स्ट इंडियन पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे हम्म हम्म प्यारी डांट लगाते हुए चुपचाप पढ़ लो ठीक है दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में ठीक है नोएडा इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है ये क्या हो जाएगी नोएडा की फुल फॉर्म है अब ये कहाँ पर आपको मिलता है तो आप सभी जानते हैं नोएडा जो है वो यूपी के अंदर है यहीं पर आपको जेवर एयरपोर्ट मिलता है जहाँ पर अभी भगवान शिव की एक स्टैचू लगाया गया है और यहीं पर श्री कृष्णा जी का भी एक स्टैचू जो है उसको इंस्टॉल किया गया है बाय ईशा फाउंडेशन ये हमने पढ़ा था लेकिन अब क्या हुआ है अब यहाँ पर क्या है <coughs> वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर क्या दिए गए हैं अवार्ड्स दिए गए हैं। अब ये इंडियन गवर्नमेंट ये. ये के, के साथ में मिलकर ये अवार्ड्स यहां पर दिए गए हैं अच्छा किसको हैं किस, है? किस फील्ड में दिए गए हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर काम करते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर वाटर को री करना है यानी कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो काम करता है उस फील्ड में ये अवॉर्ड जो हैं वो दिए जाते हैं है ना आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो सीवरज सीवर होते हैं काफ़ी सारी दिल्ली के अंदर ये बड़ा बुरा हाल मिलता है काफ़ी सारी आ, ऐसी स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ पर सीवर एक बार खुल गया तो वो खुला ही रहता है जब भी बारिश आती है पानी बैक मारता पूरी गली के बुरे हाल हो जाते हैं ना आप लोगों ने भी देखा अगर आप दिल्ली से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये बहुत सारी जगह ऐसी होती नॉट दिल्ली काफी सारे ऐसे शहर होते हैं जहां पर सीवर को लेकर एक एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वाटर, वाटर मैनेजमेंट जो इन फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको यहाँ पर ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं ठीक है तो ये नोएडा को नोएडा अथॉरिटी जो है इसको दिया गया तो ये ध्यान रखिएगा क्लियर है सभी को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया अब बात आती है कि ये अवार्ड्स दिए किसने हैं अवॉर्ड्स जो है वो दिए किसने हैं गिवन बाय जिनके पास में जल शक्ति मंत्रालय है किन के पास में है जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में है गजेंद्र सिंह शेखावत ठीक है ये मिलता है आपको गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में ठीक है इंडिया के अंदर भी वाटर अवार्ड्स दिए गए थे जिसमें यूपी जो है वो नंबर वन पे रहा था ठीक चलिए नेक्स्ट हाँ ये बड़ा ध्यान है आज कौन सा दिन है रुक जाओ तुम लोग इस हफ्ते ने और अलग ही दिमाग खराब करके रखा हुआ एक तो कब खत्म होगा दो दिन और बचे। अच्छा फेबर को एक खास दिन है आप लोग को पता है एक और खास दिन है फोर्टीन फेब्रवरी को तुम लोग को बस एक ही दिन पता है क्या तुम लोग को वो, वो वाला दिन पता है एक मंदिर का इनेगुरेशन होने वाला यूए के अंदर जो हिंदू टेम्पल बन रहा है मोदी जी जा रहे हैं यू ए है UAE, के अंदर। जहां पर फाउंडेशन ने एक हिंदू मंदिर बनाया है 14 फरवरी को उसका इनेगोरेशन होगा मोदी जी करेंगे उसका इनेगोरेशन तो वहां पर बहुत बड़ा दिन है हिंदू के लिए ठीक है हिंदू मंदिर जो बनने जा रहा है वो नहीं पता होगा लेकिन किसी को भी है ना वो किसी को नहीं पता होगा ब्लैक डे मनाते ये भी चलो अब भी सब लोगों को पता है ठीक है ये भी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा लेकिन चलिए अवार्ड्स देखते हैं फीमेल वोशु, दे शो एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिए गए हैं आपसे पूछा जाए कि ये जो अवार्ड है वो किस एथलीट को अभी दिया गया था किसको दिया गया को ये अवार्ड दिया गया ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं बिजनेस ऑफ द ईयर बिजनेस ऑफ द ईयर बीना मोदी को मिला ठीक है शंकर स्मृति अवार्ड किसको दिया गया शंकर स्मृति अवार्ड ईश्वरी प्रसाद को दिया गया ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को ये अवार्ड दिया गया तो इतनी चीजें आपको याद रखनी ठीक है नेक्स्ट टू डेज एनुअल एक फेस्टिवल है जो स्टार्ट हो चुका है खूब गाना बजाना इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपनी पोशाक पहनकर ये लोग डांस कर रहे हैं। कौन सा डांस कर रहे हैं अच्छा कोई पहचान सकता है यहाँ पे कौन सा डांस हो रहा है और डांस का नाम बता दीजिए मुझे है कोई जो बता सकता है कि कौन सा डांस हो रहा है चलिए कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर ये टू डेज एक एनुअल फेस्टिवल है जिसका नाम है दो सोचे फेस्टिवल इसका आयोजन शुरू हुआ है कौन से स्टेट या फिर यूपी के अंदर हम्म बताइए क्या होगा आंसर लद्दाख के अंदर ये डांस फॉर्म किया जा रहा है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो लद्दाखी की बात कर लेते हैं लद्दाख की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि थर्टी अक्टूबर 2019 दो को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया साथ ही साथ ही में जम्मू कश्मीर को भी बनाया गया एक बार फिर से लद्दाख को स्टेट बनाए जाने की डिमांड जो है यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है यहाँ की अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे बेडी आ... देशमुख ठीक है ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख में कौन सी रिवर बहती है यहाँ पर रिवर कौन सी हो जाएगी इंडस रिवर है तो ये याद रखिएगा यहाँ पर आपको नेशनल पार्क कौन सा मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क मिलता है क्या है हेमिस है है? नेशनल पार्क मिलता है ठीक है अच्छा लद्दाख के अंदर इसके जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है इसका नाम क्या है ये कौन बताएगा यहाँ की अगर मैं आपसे पूछूं यहां का जो सबसे ऊंचा माउंटेन पर्वत है ये कौन सा है तो ये कौन बताएगा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है आंसर <coughs> बताओ भाई एस्टोक कांगेरी ठीक है ये यहाँ की क्या है हाईएस्ट माउंटेन पीक है चलिए अब इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं <coughs> <coughs> सॉरी क्या नाम है फेस्टिवल का दो महोत्सव है जिसको लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है ये टू डेज का फेस्टिवल रहेगा दो दिनों तक इसको मनाया जाता है किस रिलीजन को रिलेटेड है तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड ये फेस्टिवल है क्यों मनाया जाता है कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई इस रूप में इसको मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इसको मनाया जाता है ये को फेस्टिवल है ठीक है इसमें कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है डांस कौन सा परफॉर्म किया जाता है इसमें होता है मुखोटा डांस ठीक है कौन सा होता है इसके अंदर होता है मुखोटा डांस फॉर्म ठीक है लद्दाख में और भी तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं लद्दाख के अंदर और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एक तो हेमिस फेस्टिवल हो गया एक यहां पे लोसार फेस्टिवल हो गया एक होता है स्पीतुक फेस्टिवल ठीक है ये सब लद्दाख के अंदर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं ओके चले कुछ फेस्टिवल्स के नाम है यहाँ पे <coughs> <coughs> सॉरी <coughs> चंदुबी फेस्टिवल जो है ये कहां पर सेलिब्रेट होता है आसाम के अंदर ठीक है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल इसका भी आयोजन अभी कहा गया गोवा वाली बीच पे भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में ये हुआ है पुष्कर मेला कहाँ पे लगा है राजस्थान के अंदर रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये कहां पे मनाया गया नागालैंड के अंदर तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है और आपको जो याद रखने हैं ठीक है चलिए ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क जिसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में और ये आज की क्लास में डिस्कस भी हो चुका है तो कोई चिटिंग भी नहीं करेगा ठीक है ये है मोबाइल नंबर हेल्पलाइन नंबर है किसी को कोई भी हेल्प चाहिए ठीक है जैसे कि कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको कोई भी बैच लेना है, 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 तो इस है इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग अपना सिलेबस करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ठीक है जिस भी अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में आप भी अपना सिलेबस कर सकते हैं एप्लीकेशन पे आके तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरे साथ ठीक है सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है ठीक है जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन उसके बाद जो भी पहली वेबसाइट होगी उसपे क्लिक करना है ऊपर जाना है ऑल कोर्सेज जहां लिखा होगा उसी के ऊपर जाके क्लिक करना है ठीक है जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सारे जो एग्जाम्स हैं वो ओपन होके आ जाते हैं डिफेंस वाले यहाँ से अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैचेस सेलेक्ट करेंगे एजे का सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा एजेई के लिए यहाँ क्लिक करना और उसके बाद अपनी ब्रांच यहां से आपको सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी ब्रांच से हैं ठीक है ब्रांच कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि मान लीजिए मैंने सिविल को सेलेक्ट किया उसके बाद आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है कि किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेई 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 हो 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 गया जी, गया गया बिहार सारे एग्जाम्स है अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर ले सकते हैं और मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ठीक है पीडीएफ डेली मिलता है हो ही नहीं सकता पीडीएफ नहीं मिलता हो डेली मिलता है और ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, आप जो है वहां पे क्लासेस देख सकते हैं ठीक है इसमें करना कुछ नहीं है इस पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा तो जैसे ही आप बाई नाव पे जाते हैं तो सबसे पहले कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा अब यहाँ पे आपको कोड फिल करना है क्या वाई फाइव सेवन जो स्क्रीन के नीचे भी चल रहा होगा ठीक है फाइव सेवन नाइन इसको कर दीजिएगा अप्लाई और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलने के बाद अमाउंट हो गया है ये कितना तीन हजार एक सौ छियानवे इसमें आपको टेक नॉन टेक सब कुछ मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स सब कुछ कवर करवाया जाएगा ये कॉड हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है चाहे जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा ठीक है हाँ जनवरी मंथ का करें हाँ पी बचा हुआ है हाँ ठीक है उसको हम शेयर कर देंगे जनवरी मंथ का आज ही शेयर कर देंगे जनवरी मंथ वाला जो करंट अफेयर का पीडीएफ बचा हुआ है वो आज ही शेयर कर देंगे ठीक है और कुछ और कुछ चलिए ठीक है सो so, जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं आज क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है अब आपसे मुलाकात करेंगे दोपहर दो, दो बजे इसके अलावा और सभी फैकल्टीज की भी क्लासेस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हैं जब यूट्यूब चैनल पर जाकर आप विजिट करेंगे तो लाइव वाले सेक्शन में जाके देखिए और भी फैकल्टीज की क्लासेस लगी हुई हैं तो आप उनको भी अटेंड कीजिए ठीक है और आज की क्लास का पीडीएफ एप्लीकेशन से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं पिंकी सरोहा के नाम से ये मेरे नाम की स्पेलिंग है ठीक है पिंकी सरोहा के नाम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आपको डेली की क्लासेस का पी मिल जाएगा ओके इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम uh, चैनल मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेलीग्राम मिलेगा और सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम चैनल इनके नाम से मिलेगा यहाँ पर भी डेली की पीडीएफ शेयर होते हैं यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए ओके गाइस थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे टेक केयर अब आपसे मुलाकात करेंगे दोपहर दो, दो बजे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के साथ में स्टैटिक जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सारे क्वेश्चंस मिक्सअ अप फॉर्म में मिलते हैं आप लोगों को तो वो सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है तो सब लोगों को उसमें कनेक्ट होना है ठीक है चलिए ओके गाइस टेक केयर